चौका भी मारा जा रहा है, दो जेब कतरे मिल गए हैं, पुलिस उठा लिए हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। दोस्तों, आज मैं जाने वाला हूं पुरुलिया, क्योंकि वहां हो रहा है रेल टेका, मतलब रेल अवरोध किया गया है, ट्रेन रोका जा रहा है कुर्मी समाज के द्वारा। और भाई, मैं भी एक कुर्मी हूं, तो डेफिनेटली सपोर्ट करने के लिए जाऊंगा ही। तो उसके लिए चलिए रेडी हो जाते हैं। तो भाई, जाने के लिए हो चुके हैं पूरा रेडी, गले में ले लेते हैं कुर्मी सेना का गमछा और चलिए चलते हैं। तो ये देखिए, आ चुका है गाड़ी। Like a bird on a tree। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं चास मोड़। ये भैया है, इन्हीं का बुलेरो भी है, आए एक साथ सभी नाश्ता करने जा रहे हैं। भूख भी लग रहा है भाई, तो खा लेते हैं। तो भाई थोड़ा चाय के शौकीन है, तो चाय पी लेते हैं। सभी यहाँ चाय पी रहे हैं। जोहार दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं रेल ब्लॉकेट करने। हम सभी कुर्मी समाज के लोग जा रहे हैं कुष्टार पुरुलिया में। आज कुर्मी समाज द्वारा एक बहुत ही बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। हम लोगों का, समाज के लोगों का कुछ डिमांड है, उस डिमांडों को पूरा करने के दावी के साथ हम लोग जा रहे हैं रेल टेका डोहर छेका करने के लिए। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं, जिससे आगे गाड़ी नहीं जा सकता, हम लोगों को पैदल जाना पड़ेगा। हम लोगों का हैसातु अंचल से ये सभी कुर्मी समाज के हम सभी भी आ चुके हैं। चलिए तब चलते हैं। तो भाई ये देखिए, बहुत ज़्यादा भीड़ है और सामने पुलिस भी रोक रही है, जाके देखते हैं क्या मामला है। जैसे आप सभी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रशासनिक पुलिस कर्मचारी बहुत आ चुके हैं, ये देखिए। हाँ, सिचुएशन को संभालना भी जरूरी होता है, काहे कि पता ही है, ऐसे सब मौके में कोई चौका मार देता है, दंगा वगैरह कर देता है, तो उसके लिए कानून व्यवस्था रहना भी चाहिए। लेकिन दुआ करते हैं कोई कानून हाथ में ना ले और जो डिमांड है वो अच्छे से पूरा हो जाए। ये सब कांसरा का है, हम लोगों का गांव का सामने। तो भाई, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कुस्ताउर स्टेशन, आप सभी देख सकते हैं, और यहाँ ही रेल टेका हो रहा है। সকলে সহযোগিতা কাম আছে, প্রয়োজন আছে, তাই সবাই একদম নিজের মতন করে সবাই সবাইকে। तो भाई, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और घूम रहे हैं। ये देखिए, ये मेरे एक कुर्मी साथी मिल गए हैं। आप कब आए? अभी है। अभी हम भी अभी पहुँचे हैं। तो भाई, बारिश होने लगा है, हम लोग कहीं जाते हैं तो बारिश में भीग नहीं सकते, खुद भीग तो सकते हैं लेकिन कैमरा भीग जाएगा, इसलिए जाके कहीं सर छिपाना पड़ेगा बारिश से, ताकि भीग ना जाए। तो हमारे भाई,
ताला चल रहा है उधर, हम लोग पीछे खड़े हैं। चलिए तो जाते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं। मैं अचानक से बहुत ज्यादा धूप होने लगा, कुछ देर पहले बारिश हो रहा था, अब धूप हो रहा है। दोस्तों अब 3 बजे भाषण चलेगा, अभी अभी हो गया, आके इधर साइड में हम बैठते हैं यार। बहुत ज्यादा भीड़ है यार, इतना लोग है, आप सभी देख ही सकते हैं कितना ज्यादा भीड़ है अपने डिमांड के साथ। बच रहे हैं हमें बारिश से, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है बाहर भाई। एसटी दा माने है तो, एसटी दा माने है तो जो करो भाई। यहाँ मौके पे चौका भी मारा जा रहा है, 2 जेब कतरे मिल गए हैं इधर, पुलिस उठा लिए हैं। पुलिस जैसे ही जेवकात्र को पुलिस वैन से उतारी, लोग उन पर टूट पड़े और भगा रहे हैं, अभी भगा रहे हैं पूरा एकदम भाई। बहुत देर तक यहाँ रहे, अब मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो साथी हैं, जिन लोगों के साथ मैं आया हूँ, वो लोग घर जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली मेरे को भी जाना पड़ेगा, इसीलिए जा रहे हैं भाई। लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा, बात कर रहे हैं अपनों के पीछे रहने का मजा ही और है। निकल गए और हमको फोन कर रहे हैं बार बार कि आओ जल्दी आओ, तो जाना पड़ेगा भाई। भीड़ से बाहर निकल गए हैं यार, अभी जा रहे हैं, अकेले हैं। मेरा जो साथी हैं, जिन लोगों के साथ मैं आया हूँ, वो लोग कहाँ हैं पता नहीं, गाड़ी के सामने जा रहे हैं सबसे, मिलेंगे अगर वो लोग पहुंच गए हैं तो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, अगर मैं पहले पहुंच गया तो मैं उनका इंतज़ार करूंगा। तो रोड बंदी क्या हुआ था वो खुल गया है, वो छोड़ दिए, वो सब लोगों का दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुर्मी समाज का यही एक ख़ास बात है कि मतलब लोगों का परेशानी जैसे ना हो, उस बात का ध्यान रखा जाता है। लेकिन रेल टे का भी भाई पूरा एकदम जाम है, सब लोग उधर चले गए, इधर गाड़ी पूरा चारों तरफ पूरा गाड़ी है भाई। मेरे जो साथी हैं वो अभी तक पहुंचे नहीं, वो लोग वहीं पर है, फ़ोन करके हमको बोले कि चलो जा रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए। अभी फ़ोन किए तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग यहीं पर हैं। ये देखिए इसी गाड़ी में हम लोग आए हैं, और ऊपर से बोल रहे हैं कि तुम भी लौट आओ, ये बाद में जाएंगे एकदम शाम को। भाई खाने में कोई संकोच नहीं, ये देखिए सामने अमरूद का पेड़ है और एक अमरूद तोड़ लिए हैं खुद। मस्त लग रहा है भाई, और देखिए मेरे दोस्त सब उठ गए हैं अमरूद तोड़ने के लिए, ये देखिए लेकिन भाई मेरा वाला जितना पक्का तो नहीं मिलेगा, ये जो पका है ना इतना पका हुआ नहीं मिलेगा, पक्का बोल रहे हैं। अनु ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, अनु लाइक करें, शेयर करें। Do you want it?
डांस करते टाइम किसी के टहनी से लग गया, ऐसे खून निकल रहा है भाई, बहुत जोर से लगा यार, ये तो फूल जाएगा मेरे को लग रहा है। लेकिन डांस करना छोड़ेंगे नहीं भाई, थोड़ा दर्द कर रहा है, कट गया इधर, कट गया फिर चलेगा, इतना तो बनता है। बहुत डांस कर रहे हैं ना, बस लग गया थोड़ा। शंकर भैया मिल गए हैं, शंकर भैया मिल गए हैं, बहुत नाच रहे थे अभी, मैं आप सभी देख सकते हैं इनको, बहुत नाच रहे थे, कितना सीरियस लग रहा है। तो भाई हम लोगों का गाड़ी का सब स्टॉप आ चुके हैं, तो चलिए गाड़ी करते हैं, अब निकलते हैं यार, अभी डांस कर रहे थे बहुत। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं झालदा भाई, और इन सब को करते हैं बाय बाय। तो ये सब चले गए, कुछ खा लेते हैं उसके बाद रूम जाएंगे। अब बहुत भूख लग रहा है भाई, मतलब कुछ नहीं खाए हैं, लिटरली कुछ नहीं, मतलब कुछ मतलब थोड़ा बहुत खाए हैं, ऐसा बात नहीं, भारी खाना जैसे चावल वगैरह हो जाता तो मज़ा ही आ जाता, लेकिन खाएंगे कुछ देर बाद। तो दोस्तों झालदा पहुंच गए भाई, बहुत भूख लग रहा है यार, और घर जाके कौन खाना बना के खाए, सोचे नाश्ता कर लेते हैं चाउमीन वगैरह, तो यहाँ भैया बोले भाई चाउमीन क्या खाएगा या एग रोल वगैरह क्या खाएगा, रोटी और चिकन इधर मस्त मिल रहा है, तो दबा के खा लेते हैं, पेट भर जाएगा और दबा के सोएंगे, नहीं सो नहीं सकते क्योंकि मेरा 9 बजे से क्लास है 11 बजे तक। बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। तो भाई ये देखिए राहुल आ गया मेरे को रिसीव करने के लिए। अरे तू कहाँ था, घर अभी बंद था कुछ देर पहले हम देखे, बाहर थे, बाहर घूम रहा है। चलिए चलिए चलो चलो। गाइस आप लोग बहुत अच्छे हैं जो मेरे हर एक ब्लॉग को देखते हैं, भाई मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, वायरल कीजिए, एक आध वीडियो को भी वायरल कर दीजिए, आप ही लोग शेयर करेंगे तो वायरल हो जाएगा, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। इस चैनल में अगर आप में से कोई नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों को भी एंटरटेन करना चाहते हैं, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, थैंक यू।